हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और जो कि आपको वेट लॉस करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो काफ़ी लोग बिना एक्सरसाइज बिना डाइटिंग के ही वेट को लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छे टिप्स हैं। आप घरेलू ही कुछ चीज़ों से अपना काफ़ी सारा वेट लॉस कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटापा कम करने वाले लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर किसी तरह टाइम निकाल भी लिया है तो इसे रेगुलर रख पाने में कई तरह की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से वेट लॉस का सफ़र बीच में भी ख़त्म करना पड़ जाता है। तो आप भी डाइटिंग और एक्सरसाइज के बिना मोटापा कम करना चाहते हैं तो ये दिए गए उपाय कर सकते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। तो नंबर एक, नींबू के साथ शहद। विटामिन सी से भरपूर नींबू शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करता है। दूसरी चीज़ है शहद, जिसमें प्राकृतिक मिठास होती है जो बिना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए वजन कम करने में मदद करता है। नंबर दो, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कम मात्रा में। मैं तो यही फाइबर अच्छी खासी मात्रा में। तो वजन घटाने के लिए आप पत्ता गोभी से बना सूप और सब्जी और सलाद खा सकते हैं। नंबर तीन, पानी। मोटापा कम करने के लिए शरीर का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसमें भूख कम लगती है, ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है जो मोटापा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। नंबर चार, गाजर। गाजर भी लो कैलोरी वाली सब्जी है, जिसे खाकर बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है जो मोटापे को कम करने का काम करता है। तो गाजर हमें ज़रूर खानी चाहिए। नंबर पाँच, सौंफ। अतिरिक्त मोटापा घटाने में सौंफ भी बेहद फायदेमंद है। सौंफ फाइबर युक्त होता है जो भूख को नियंत्रित कर वजन को घटाने में मदद करती है। नंबर छः, ग्रीन टी। बिना मेहनत मोटापा कम करने के उपाय के रूप में आप ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। ग्रीन टी वजन घटाने के साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। नंबर सात, खीरा। खीरा कई तरह से वजन घटाने में मदद करता है। ये कम कैलोरी युक्त होता है, इससे साथ ही इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और पानी शरीर के लिए वजन को नियंत्रित करने का काम करता है। नंबर आठ, अजवाइन। अजवाइन सामान्य सर्दी के वायरस से लड़ने का काम करती है। अजवाइन के पानी का सेवन वजन घटाने में मदद करता है। इसके लिए एक चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में भिगोकर रात भर रख दीजिए। अगली सुबह उसे उबालकर छान लें और इसका सेवन करें। नंबर नौ, रायता। ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। रायते में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंत के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। आप इसमें मौसमी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। नंबर दस, चने का सत्तू। भुनी हुई चना दाल को ये ददरा पाउडर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सत्तू फाइबर से भरपूर होता है, ये वजन घटाने में मदद करता है। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। नंबर 11, मूली। मूली के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाने से भी मोटापा कम होता है और वजन घटता है। तो मूली का सेवन आप सलाद में भी कर सकते हैं। और नंबर 12, लहसुन। रोज सुबह उठकर खाली पेट लहसुन की दो कलियां चबाने और फिर उसके बाद एक गिलास नींबू पानी पिएं। ऐसा करने से वजन तेजी से घटेगा और चंद ही दिनों में असर दिखने लगेगा। नंबर 13, अश्वगंधा। अश्वगंधा के पत्तों का सेवन करें। इसके अलावा एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर और शहद मिलाकर रोजाना सेवन करने से मेटाबॉलिज्म और पाचन बेहतर होता है। नंबर 14, लाल मिर्च की चाय। सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन कहा जाता है कि लाल मिर्च की चाय का रोजाना सेवन करने से चर्बी कम होती है और वजन भी घटता है। दरअसल लाल मिर्च
वजन घटाने में काफ़ी कारगर है। नंबर 15 करी पत्ता। रोजाना सुबह कुछ करी पत्तियाँ खाने से भी वजन कम करने और मोटापा घटाने में मदद मिलेगी। दरअसल करी पत्ते में मोटापा कम करने और चर्बी घटाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए करी पत्ता खाने से वजन घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 16 पुदीना। पुदीने की कुछ पत्तियों का रस निकाल लें और इसे एक या दो चम्मच शहद के साथ नियमित रूप से सेवन करें, इससे मोटापा घटाने और वजन कम करने में हेल्प मिलेगी। तो ये थे कुछ टिप और ट्रिक्स वेट लॉस करने के घरेलू उपाय। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।